मंच पर उपस्थित गोवा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रमोद जी सावंत, गोवा विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी पाटनेकर, इस पूरी आयोजन की कल्पना करने वाले श्रीमान राहुल जी कराड़, उनके साथ मंच पर उपस्थित सारे विशेष महानुभाव, यहाँ पर श्रोताओं में बैठे हुए विशेष अतिथि और सारे युवा बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इस राष्ट्रीय युवा संसद में बहुत ही अच्छे मन से यहाँ पर आप पधारे हैं। जैसे यहाँ उल्लेख हुआ कि अपने देश की स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष है और गोवा भी मुक्त होकर 60 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे एक सुअवसर पर यहाँ पर इस युवा संसद का आयोजन किया जाना ये बहुत ही आनंद की बात है। हम सब जानते हैं कि अपना देश अभी विश्व स्तर पर एक सशक्त समर्थ देश इस नाते उभर रहा है। अभी अभी जिसका उल्लेख हुआ कि ग्लासगो के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऐसी 26वीं एक संगोष्ठी हुई, लगातार प्रतिवर्ष ये होती है, और उसमें एक वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन का संकट या चुनौती है हम सभी के लिए, उसके बारे में चर्चा होती है। हर देश अपने कुछ वचन वहाँ पर बताता है कि इस पूरे वैश्विक संकट का सामना करने के लिए हम देश इस नाते क्या करेंगे, ऐसे वचनों को भी वहाँ पर कहा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो वैसे ही अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने वहाँ पर पंचामृत प्रस्तुत किया, यानी 5 ऐसी बातें प्रस्तुत की जिसके कारण अपना देश, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है कार्बन उत्सर्जन करने वाला, वो इस कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए जलवायु परिवर्तन को समाप्त करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा, ये 5 बातें कही। उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर नाम दिया पंचामृत, यानी इस विश्व को ठीक रखना है, मानव जाति को इस विश्व पर, इस पृथ्वी पर रहना है तो क्या करना चाहिए और भारतवर्ष क्या करेगा। अपने देश में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है और हम सब मिलकर इन वचनों को पूर्ण करेंगे तो निश्चित ही इस पृथ्वी पर एक आनंद की बात लौट आएगी जिसकी चिंता हम सब मिलकर कर रहे हैं। वो 5 बातें क्या थी? सबसे पहले था, उन्होंने कहा कि 2070 तक अपना देश नेट जीरो उत्सर्जन करने में सफल होगा। नेट जीरो का अर्थ होता है कि जितना कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं उतना ही कार्बन हम पचा लेंगे, यानी जितनी निर्मित करेंगे कार्बन की उतनी ही उसको निकालने का प्रयास करेंगे, उसको नेट जीरो ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने ऐसे वचन दिया कि 2070 तक, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद, ऐसी स्थिति अपने देश में हम लाएंगे सब मिलकर कि अपने देश में जितना कार्बन उत्सर्जित होगा उतना ही निकालने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो ये पहली बात उन्होंने कही है, उसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए, क्योंकि जैसे राहुल जी ने बताया कि हम क्रियाशील नागरिक है और इसलिए अपना देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो इसकी ओर हमें ध्यान देना है। लेकिन और 4 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही है, उसको भी ठीक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने 4 बातों में पहली बात यह कही कि हम सब मिलकर अपने देश में जो ऊर्जा की निर्मित करते हैं वो जीवाश्म ईंधन के आधार पर नहीं करेंगे, यानी नॉन फॉसिल एनर्जी, ऐसा उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो अपने देश में 2030 तक, यानी इस दशक के अंत में, लगभग 500 गीगावाट इतनी जीवाश्म ईंधन से मुक्त इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हम करेंगे, ऐसा एक पहला वचन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया।
दूसरी बात उन्होंने ऐसे कही कि 2030 तक यानी अगले दशक में अपने देश में जो ऊर्जा निर्मित होती है उसमें से 50% ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा होगी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी होगी। सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ऐसे अनेक प्रकार है, यानी जीवाश्म ईंधन के द्वारा ऊर्जा न निर्माण करते हुए इस प्रकार के जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है उनके आधार पर हम अगले दशक में अपने देश के लिए आवश्यक 50% ऊर्जा की निर्मिति करेंगे। ये दूसरी बात चार बातों में कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो अर्थतंत्र हमने खड़ा किया है उसमें कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता कितनी है उसको नापा जाता है। तो हम ऐसे अर्थतंत्र की ओर बढ़ेंगे कि जिसमें हम 45% ही कार्बन उत्सर्जन जिसके द्वारा होगा ऐसा अर्थतंत्र तैयार करने में सक्षम हो जाएंगे, ऐसी तीसरी बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है चौथी बात, उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसको 10 वर्षों में कितना कम करेंगे, तो 1 बिलियन टन इतना कार्बन उत्सर्जन हम कम करेंगे, इस प्रकार की बात उन्होंने कही। तो ऐसी 5 बातें उन्होंने कही और कहा कि ये पंचामृत है जिसका पालन हम करेंगे तो हम सब मिलकर पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन का अच्छा सामना कर पाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि भारत की विश्व में जो साख है वो ऐसी है कि अब तक जो वचन भारत ने दिए हैं उस वचनों की पूर्ति हमने की है, क्योंकि हम सारे राजा हरिश्चंद्र के वंशज है। तो हमें ध्यान में रखना है कि विश्व का ये संकट उसको समाप्त करने के लिए ये पंचामृत वचन, इस नाते अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्व स्तरीय मंच पर उन सभी का पालन करना, उसका प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करना, ये हम सभी का क्रियाशील नागरिक इस नाते दायित्व है, उसको हम अच्छी प्रकार से निभाएंगे ऐसा विश्वास मुझे है। और इस संसद में इसी प्रकार के और बहुत विषय आपको ध्यान में आएंगे, हम सब उसको ध्यान में रखकर संकल्पबद्ध होंगे कि हम इन सारे वचनों को अच्छी प्रकार से निभाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।